जम्मू कश्मीर में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पूर्व समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने सोमवार को निकाय और पंचायत चुनाव के बहिष्कार के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आड़े हाथ लिया। उनका ये कहना था कि हमने 25 साल तक चुनाव बहिष्कार की सियासत की, लेकिन इसका नतीजा हम जानते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के चुनाव से दूर रहने वाले सवाल पर सज्जाद लोन ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जिन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया है, तो वो अगर सही मायनों में उन्हें अहमियत देते भी हैं, तो अगले 25 सालों तक चुनाव से दूर रहकर दिखाएं। मैसेज क्या है? लोगों ने हमें वोट डाला, हमने आज खुद वोट डाला जी। ये म्युनिसिपल इलेक्शन है, टाउन की बहबूदी के लिए है। इसमें मैसेज तो एक हमारा हक है, बुनियादी हक है कि एक डेमोक्रेटिक टीम हो जो हमारे जो कस्बे हैं, लोकल बॉडीज है, उनकी जो देख रेख है, बाकी चीजें हैं, एक लोकल टीम हो, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी। कुछ पार्टीज ने जो है इसमें दूर रहने की अपील की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है। नहीं, उसका उनका हक है अपना, अगर वो नहीं चाहते हैं वोट डालना, बायकॉट करना चाहते हैं। हमने भी 25 साल बायकॉट किया, अब ये करें 25 साल कोई बात नहीं, हमने देखा है इसमें क्या होता है। बाकी अगर वो सीरियस है, उनके एमपी हैं, एमएलए हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, वो तनख्वाह अपनी का बायकॉट कर सकते हैं, सीडीएफ का बायकॉट कर सकते हैं। ये क्या होता है गरीब के वोट का बायकॉट करना? ये छोटे छोटे हमारे जो काम होते हैं, जो बेसिक सफाई के काम, उनको बायकॉट कर, वो जिन कोठियों में रहे हैं उनका बायकॉट करे। बायकॉट करने के और भी बहुत तरीके हैं, थोड़ी ये एक लोकल बॉडीज का इलेक्शन। दरअसल जम्मू कश्मीर में निकाय और पंचायत चुनाव का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विरोध कर रही हैं। इसके पीछे राज्य के मौजूदा सुरक्षा हालात और धारा 35A का हवाला दिया जा रहा है। तो वहीं साल 2009 में चुनाव का बहिष्कार करने वाले सज्जाद लोन ने हंदवाड़ा में एक निजी स्कूल में बने मतदान केंद्र में अपना वोट देने के बाद इस बात पर जोर भी दिया कि ये चुनाव कश्मीर में जमीनी स्तर पर अवाम को सियासी तौर पर मजबूत बनाने और कश्मीर की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com।